मार्च का आधा महीना बीतने के साथ ही अब तेज गर्मी ने लोगों को सताना शुरू कर दिया है। इसके चलते प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। राज्य के जिलों में रात का तापमान 20 डिग्री के पार हो गया, तो वहीं आपको बता दें कि 27.8 डिग्री के साथ बाड़मेर में सबसे गर्म रात दर्ज की गई। राजधानी जयपुर में भी रात का तापमान 22 डिग्री रहा, तो वहीं दिन के तापमान में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते दिन 10 जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार हो गया, साथ ही 42.5 डिग्री के साथ बाड़मेर में सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में जहां दिन का तापमान औसत से करीब 7 से 8 डिग्री तक दर्ज हुआ है, तो वहीं रात का तापमान भी औसत से करीब 4 से 5 डिग्री तक बढ़ा हुआ है। नमस्कार, जय हिंद। मैं राधेश्याम शर्मा मौसम केंद्र जयपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 16 मार्च है और हम बात करेंगे राजस्थान में आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। सबसे पहले यदि तापमान पर एक नजर डालें तो फिलहाल राजस्थान के कुछ भागों में हीटवेव टू सीवियर हीटवेव की कंडीशन दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर बाड़मेर में 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि औसत से करीब 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यानी जोधपुर संभाग के कुछ जिलों में फिलहाल सीवियर हीटवेव की कंडीशन बनी हुई है। वहीं साउथ राजस्थान के उदयपुर संभाग के जिलों में भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है, यानी कहीं कहीं हीटवेव की कंडीशन जारी है। अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है, यानी जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हीटवेव और एक दो स्थानों पर सीवियर हीटवेव की कंडीशन अभी भी अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी। इसके अलावा दिनांक 19 मार्च से एक कम तीव्रता का पश्चिमी विक्षोभ है, यानी हवाओं के पैटर्न में एक बार फिर से बदलाव होगा और उम्मीद है कि अधिकतम तापमान में 19 मार्च से 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास या नीचे आने की संभावना है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो हीटवेव की परिस्थिति राजस्थान में बनी हुई है, 19 मार्च से इसमें राहत मिलने